तो आज की क्लास में हम पीएचपी में प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट को इको के स्थान पर यूज किया जा सकता है, यानी इको का रिप्लेसमेंट है। पीएचपी में इको या प्रिंट दोनों को यूज किया जा सकता है। दोनों में छोटा मोटा अंतर होता है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ प्रिंट स्टेटमेंट की कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेटिव यूज किया जाता है इको के जगह पर। इको के बदले आप प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट को आप पैरेंथेसिस के साथ या बिना पैरेंथेसिस के भी यूज कर सकते हैं। पैरेंथेसिस मतलब आप इसके साथ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट और इको स्टेटमेंट में ये छोटा सा अंतर होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमेशा कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा काम जो है वो हो गया है। ये डन का नोटिफिकेशन होता है या एक्नॉलेजमेंट होता है। कुछ उसी प्रकार से होता है जैसे हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं और हमारे पास उसके रीड होने के लिए वो व्हाट्सएप में ब्लू कलर की टिक आ जाती है, तो वो हमें नोटिफाई करता है कि वहां से मैसेज जो है रीड कर लिया गया है। उसी प्रकार से प्रिंट स्टेटमेंट कंफर्म करता है वन वैल्यू देकर के कि मैंने अपना काम कर लिया या प्रिंटिंग का काम कंप्लीट हो गया है, जबकि इको स्टेटमेंट जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। और प्रिंट में ये एक बेसिक अंतर है कि प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा वन रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, और इको स्टेटमेंट जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर आप उसमें रिटर्न कराने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आपको देगा। प्रिंट स्टेटमेंट में एक और ऑप्शन है कि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास कर सकते हैं, और ये दूसरा थोड़ा सा डिसएडवांटेज है प्रिंट का कि प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा सा स्लो होता है। यानी आप बहुत बड़े डेटा को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे इको से और प्रिंट से, तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है थोड़ा देर से आउटपुट आपको देगा। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है प्रिंट और इको में। तो अगर आपका जो आपकी वेबसाइट काफी हैवी है और आप फास्ट आउटपुट चाहते हैं तो आपको इको स्टेटमेंट का यूज करना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट को भी उसी जगह पर यूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट की जगह पर हम उन स्टेटमेंट्स को यूज कर पा रहे हैं जहां पर हमने उसको यूज किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने प्रिंट को इको के स्थान पर यूज किया। देखिए, प्रिंट को हम विदाउट पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं। प्रिंट के बाद हमने लिखा हेलो बाय पीएचपी प्रिंट और दूसरा लिखा हेलो बाय पीएचपी प्रिंट। यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस को भी यूज किया है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा हेलो बाय पीएचपी प्रिंट। क्योंकि हमने यहाँ पर बी आर टैग का यूज नहीं किया है या बी आर नहीं लगाया है, इसलिए एक ही लाइन पर आउटपुट आ गया। बी आर लगा दे तो दो लाइन पर अलग अलग आउटपुट देता। तो यहाँ पर इनका आउटपुट जो है वो एक ही लाइन पे होता है। सेम ही उसी तरीके से होता है जैसे किसी दूसरी लैंग्वेजेस में हम पुरानी लैंग्वेजेस की बात करें तो सी और सी प्लस प्लस में हम स्लैश एन या सी आउट अगर नहीं लिखते हैं तो एक ही लाइन पर हमको आउटपुट देता है। दूसरा एक एडवांस फीचर है इसमें कि हम मल्टीपल लाइंस को भी प्रिंट कर सकते हैं, जो कि इको से भी हम कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा हम मल्टीपल लाइंस को भी या मल्टीपल लाइन के स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल पीएचपी टैग ओपन करना है और पीएचपी टैग के क्लोजिंग के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट पीएचपी का स्टेटमेंट है। इस स्क्रिप्ट को हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा और ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट कर पाते हैं प्रिंट से। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका आउटपुट है वो सिंगल लाइन पर ही आ रहा है। HTML पर लाइन चेंज या नेक्स्ट लाइन पर डॉक्यूमेंट या डेटा तभी आएगा जब आपका पेज एंड हो जाए या फिर आपने बी आर टैग का यूज किया है या फिर किसी भी प्रकार की रैपिंग का यूज किया है, अदरवाइज वो आपको सिंगल लाइन पर ही आउटपुट देगा।
देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट से स्कैपिंग कैरेक्टर्स को कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको प्रिंट नहीं किया जा सकता, स्कैपिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे आप पुरानी लैंग्वेजेस में भी देखेंगे तो आप स्लैश को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो प्रिंट नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जैसे डबल कोट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो प्रिंट नहीं होता, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पर डबल कोट ऐसे लिख देता हूँ तो वो सिर्फ हेलो को प्रिंट कर देगा, वो सोचेगा यहाँ से डबल कोट स्टार्ट है और ये डबल कोट खत्म हो गया, और यहाँ पर इसको वो या तो एरर जनरेट करेगा या फिर इसको छोड़ देगा। तो इस तरीके से मैं डबल कोट सिंगल कोट को प्रिंट नहीं कर सकता। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंटिंग में ही यूज होते हैं, उनका यूज प्रिंट स्टेटमेंट को जनरेट करने के लिए होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे कुछ स्केपिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पुरानी लैंग्वेजेस सी या सी प्लस प्लस में आप स्लैश सिंगल कोट डबल कोट इस तरीके के स्केपिंग कैरेक्टर्स आप देखते होंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि स्लैश एन को प्रिंट कर दीजिए तो आप प्रिंट नहीं होगा वो, जब भी आप स्लैश एन लिखेंगे तो वो लाइन चेंज कर देगा बल्कि उसके बदले प्रिंट नहीं होता है। तो स्लैश एन को प्रिंट करना भी ये आपका स्केपिंग कैरेक्टर्स है, इनको स्केप कर दिया जाता है प्रिंट करने से पहले। इसके बदले इनका कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट जो की वैल्यू जो है वो प्रिंट होती है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इनको स्केपिंग कैरेक्टर्स है, अगर मान लीजिए इनको हमको प्रिंट कराना है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा आउटपुट है, हम अपने आउटपुट में डबल कोट चाहिए, हमें आउटपुट में डबल कोट चाहिए। तो अगर मैं ये कैरेक्टर नहीं लिखता और ऐसा लिख देता तो यहां से यहां तक की वैल्यू को वो स्टार्टिंग और एंडिंग मानता, यहां से यहां तक की वैल्यू को वो स्टार्टिंग और एंडिंग मानता और इस पर एरर दे देता। तो स्केपिंग कैरेक्टर्स को प्रिंट करने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि उसकी वो कुछ एडिशनल मीनिंग समझ लेता है, क्योंकि इनका यूज इस स्टेटमेंट को जनरेट करने के लिए होता है। तो ऐसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्केपिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे पीएचपी में स्केपिंग कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए उसके आगे स्लैश लगा दिया जाता है, जब इसके आगे स्लैश लगा होता है तब ये स्केपिंग कैरेक्टर्स की जो मीनिंग है वो नल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, वो उसको एज इट इज प्रिंट करता है। यानी दो स्केपिंग कैरेक्टर्स एक साथ अगर मिलते हैं तो उनकी मीनिंग वो चेंज कर देता है और इसको एज इट इज प्रिंट करता है, वो इसको स्केप कर रहा है बट इसको प्रिंट कर दे रहा है। इस तरीके से स्केपिंग कैरेक्टर्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट में देख रहे हैं कि यहाँ पर स्केपिंग कैरेक्टर जो डबल कोट है वो प्रिंट हुआ है। वेरिएबल की प्रिंटिंग करने के लिए हमारे पास प्रिंट और इको दोनों स्टेटमेंट है, दोनों को ही हम प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल को बनाने के लिए या वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या उसको इंडिकेट करने के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। यहाँ पर पीएचपी में डॉलर से बताया जाता है कि ये वेरिएबल है, जबकि जावा स्क्रिप्ट में आपने देखा था कि कुछ इस तरीके से हमने वैर लिख करके हम बताते थे, तो वैर लिखा जाता था जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पर लिखा जाता है डॉलर। तो डॉलर लिखने का मतलब होता है कि हम ये वेरिएबल और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड होगी या कराई जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल जो है इसका डेटा टाइप हमें बताने की जरूरत नहीं होती, डेटा टाइप वो इम्प्लिसिट कन्वर्शन करता है, तो थोड़ा इजी भी है कि हमें डेटा टाइप के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। टाइप का डेटा यहाँ पर दिया जाता है उस टाइप से वो डेटा टाइप यहाँ पर कंपाइलर के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि एक डॉलर में एमएसजी यानी कि मैसेज के लिए एक बनाया गया है वेरिएबल और उसमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट स्टोर कराया गया, टेक्स्ट में लिखा है हेलो प्रिंट पैरेंथेसिस इन पीएचपी, उसको प्रिंट कराने के लिए क्या किया गया है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट में डॉलर के साथ मैसेज लिखा गया है, अगर ये ऐसा लिखा जाता तो वो ऐसा ही प्रिंट कर देता, इसके जगह अगर लिखता वो एम एस जी ऐसा लिख देता, लेकिन इसके आगे अगर डॉलर लिख दे, इसके आगे हम अगर डॉलर लिख देते हैं तो ये एम एस जी को प्रिंट नहीं करता बल्कि एम एस जी में स्टोर हुई वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा हम डॉलर का यूज करके उसकी वैल्यू को प्रिंट
करा सकते हैं। तो जब भी आप डॉलर सिंबल लगाएंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि उसका नाम। इस तरीके से हम ई को प्रिंट दोनों का यूज करके किसी वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। इको में थोड़ा अलग टेक्निक होती है, वहां पे डॉट के द्वारा कॉन्केट किया जाता है और यहाँ पर ऐसे डॉलर के द्वारा इसको यूज किया जा रहा है।